अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सबके रमजान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। आज हम बना रहे हैं चीजी ब्रेड रोल। बहुत इजी और बहुत यमी रेसिपी है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो घर पे मौजूद ना हो। चीजी ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया है और चिकन को आप देखें मैंने इस तरह से कट कर लिया है। चिकन को ऐसे मैंने कट कर लिया है और इसके साथ मैंने 4 से 5 टेबलस्पून मैंने दही के ले लिए हैं और साथ पिज्जा चीज ले ली है। आप चाहे तो पनीर भी यूज कर सकते हैं, अपनी फेवरेट चीज भी यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने सुर्ख मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर का लिया है, 2 टीस्पून मैंने सोया सॉस लिया है और 2 टीस्पून मैंने सिरका लिया है। इसके साथ 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे मस्टर्ड और ले लिए हैं मैंने ब्रेड क्रम्स, अंडा जिसे फेंट कर रख लिया है और हमने ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइस। इसके कोई किनारे नहीं काटे मैंने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसे हल्का सा बेल लिया है, थोड़ा पतला कर लिया है और कुछ भी नहीं। चलें बाकी तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पैन में मैंने ले लिया है 1 टीस्पून के करीब ऑयल ले लिया है मैंने और इसमें ऐड कर देंगे चिकन। इसमें चिकन डाल देते हैं, अब इसमें ऐड कर देंगे दही। दही के साथ ही ये मसाले ऐड कर रही हूँ, नमक मिर्च और काली मिर्च है, इसे ऐड कर देंगे। दही का पानी सारा खुश्क हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिरका। सोया सॉस, इसे भी हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे मस्टर्ड पेस्ट, जितना आपको अच्छा लगता है उतना ऐड कीजिए। डन, पैन को कर देंगे ऑफ और चिकन को कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा। जी चिकन तो हमने कर लिया है ठंडा और हम ले लेते हैं स्लाइस। यहाँ पे स्लाइस ले लिया मैंने, और इस पे रख देंगे चीज। ऐसे चीज रखी मैंने, एक चीज का स्लाइस रखेंगे और साथ में रखेंगे चिकन। इसे मैं ग्रेवी के साथ कर रही हूँ। ये करना है रोल, इसको हम ऐसे रोल कर लेंगे, रोल करेंगे और हाथ से ऐसे प्रेस कर देंगे। हमने ऐसे ही ये 5 पीसेस तैयार कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है, पहले इसे अंडे में कोट करेंगे, सारे पे ऐसे अंडा लगा लेंगे और फिर क्रम्स ऐसे ही इसमें अच्छे से रोल कर लेंगे। सब ऐसे तैयार कर लेंगे। हमने सबको कोटिंग करके रख ली है, ऐसे सब तैयार हो गए हैं, अब इन्हें फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल देती हूँ अच्छा सा कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसी तरह इन सबको फ्राई कर देंगे चारों साइड से घुमाते हुए। बस इन्हें अब डिश आउट करते हैं। जी फ्रेंड, तो हो गए ना झटपट तैयार और इतने ही यमी हैं। चले इसे तोड़ते हैं, खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये इतना ही यमी है खाने के लिए,
ज़रूर बनाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।